गुड आफ्टरनून आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन को आप समझ गए ना तो इस सेशन में आप समझ जाएंगे। इस क्लास में जो भी आएंगे जो भी देखेंगे, अभी क्लास चालू होने वाला है कुछ ही सेकेंड में, आप इस सेशन को सही तरह से समझ गए तो सिनोनिम्स का छुमंतर हो जाएगा। सिनोनिम कैसे याद करते हैं उसको ट्रिक आज लेके आए, और इस ट्रिक के माध्यम से आप सिनोनिम्स आसानी से याद कर लेंगे और एग्जाम में अपने आप बन जाएगा। आपको सिर्फ खाली याद रखना है ट्रिक, और वो ट्रिक लेके आए हैं और उसी ट्रिक को आज पढ़ा रहे हैं, आज बताएंगे। चलिए आइए। अभी तक एक भी कैंडिडेट नहीं, एक भी स्टूडेंट नहीं आए हैं। कितने बार बार हम बताए हैं कि सुबह के 5 बजे क्लास होती है, आज नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, इसलिए आज आज हो गया, मीन्स आज थोड़ा लेट हो गई इसी के चलते। लेकिन हर दिन प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे आप लोग उठिए और देखिए, आप क्लास कीजिए, मीन्स अटेंड होइए, ज्वाइन हुए और देखना चालू कीजिए। सुबह 5 बजे, शाम 9 बजे आपका फिक्स है। आप आराम से कीजिए, मेरे क्लास यदि अटेंड करना है, मेरे क्लास में कुछ सीखना, कुछ नए टेक्निक नए तरीके से, तो आप मेरे क्लास को अटेंड कीजिए, देखना आपका सारा चीज। इंग्लिश ग्रामर के बात करते हैं, सारे इंग्लिश इंग्लिश का इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ग्रामर पूरा छुमंतर कर देंगे। चलो आइए। आप यदि नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब, देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल घंटी को बजा दीजिएगा। चलिए आइए नेशन, आज का सेशन है वोकैब का। आज वोकैब जो है वोकैब का ट्रिक लेकर आए जो सिनोनिम होगा, और वो सिनोनिम्स जो है वो सिनोनिम्स आपको याद करवाएंगे, और कैसे याद करते हैं वो ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। हाँ, एक जरूरी सूचना है, हमारे जो फ्रेंड है वो भी जो है वो भी पढ़ाएंगे, वो कुछ ग्रामेटिकल एरर लेके आएंगे, और उस ग्रामेटिकल एरर में जितने सारे एग्जाम में पूछा जाता है उसको सही तरह से उसको पोस्टमार्टम करके बताएंगे। सेंटेंस को जितने सारे कॉमन एरर पूछा जाता है उसको पोस्टमार्टम करके और पूरे अच्छे से समझाएंगे। तो वो है मुकेश जी, और वो भी कुछ ही पल में आएंगे और आके कुछ बताएंगे। चलिए, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस सेशन में आप लोग सिनोनिम का बात कर रहे हैं, सिनोनिम को आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से सीख जाएंगे। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे बात करेंगे सिनोनिम का, यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू रिमेम्बर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है फर्स्ट, यहाँ 20, यहाँ दिखता होगा कितना वर्ड है, 22 वर्ड्स है। 22 वर्ड्स को हम किस तरह से याद करते हैं और किस तरह से याद करना है, चलो आइए देखते हैं। पहला वर्ड है सबड्यूस। क्या है सब? पहला सबड्यू, सबड्यू। दूसरा वर्ड सरफेस, सरफेस। तीसरा वर्ड क्लेम्फ। चौथा वर्ड है आपका रेडिकुलस। पांचवा वर्ड है आपका ऑब्सर्व्ड। छठा वर्ड है प्रीपोरस्टेरस, प्रीपोरस्टेरस टेरस। छठा सातवां वर्ड है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है नंबरिंग में, सातवां मीन्स एक है एस्ट्रोमी। और सातवां के बाद सातवां जो है वाइस्टेरस है, वाइस्टेरस। आठवां वर्ड है इंक्लेमेंट, और नौवां वर्ड है सबबोर्न, सबबोर्न, सबटूबर्न, सबटूबर्न। 10वां वर्ड है आपका ऑब्स्टिनेंट, ऑब्स्टिनेंट। और 11वां वर्ड है आपका एडोमेंट, एडोमेंट। और 12वां वर्ड है आपका, नहीं दिखता होगा देख सकते हैं, 12वां वर्ड है आपका प्री प्रीटी प्रीटिनेसियस, पार्टिनेसियस, सॉरी पार्टिनेसियस। और नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे रेत, उसके आगे वर्ड है इरे, और 15वां वर्ड है आपका टेंट्रम, टेंट्रम। और 16वां वर्ड है नेटिव,
और 70 वर्ड, 70 वर्ड है आपका, एडवरिजिनल, एडवरिजिनल, और 18वां 18वां वर्ड है आपका इंडिजेनस, और 19वां आपका वर्ड है, 19वां आपका वर्ड है लोकल, और 20वां आपका वर्ड है सेंटिमेंटल, और 21वां आपका वर्ड है माउंट किन्स, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, लीन है, माउंट लीन, माउंट लीन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, माउंट लीन, माउंट माउंट लीन है आपका, माउंट लीन है। और ये सारे को सारे हम आइए किस तरह से हम याद करते हैं। तो पहला जो है हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, आपका जो यहाँ है, आपका 3 वर्ड है यहाँ पे, जो इसको हम SAC क्या है आपका, SAC, और ये तीनों का मीनिंग होता है दबाना। क्या मीनिंग होता है? दबाना, दबाना, तीनों का मीनिंग क्या होता है? दबाना, सबड्यूस, सप्रेस, क्लेम। इसको कैसे याद करेंगे? SAC। यदि हम SAC याद करते हैं तो तीनों सिनोनिम्स याद हो जाएगा, सबड्यूस, सप्रेस, क्लेम। आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे आपका 3 वर्ड यहाँ से आपका है, तीन यहां से आपका क्या है, यहां से आपका रेफ, क्या है आपका रेफ। और रेफ का मीनिंग होता है बेतुका, बोल सकते हैं बेतुका, है ना, बेतुका, भद्दा बोलते हैं इसका मीनिंग, बेतुका भद्दा। रेडिकुलस का मीनिंग, रेडिकुलस, अब्सर्ड, प्रीपोस्टेरस, तीनों का मीनिंग है भद्दा, बेतुका, बेतुका, तीनों का मीनिंग क्या है? बेतुका। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ 3 वर्ड से लेके यहाँ पे बात करेंगे इसका तीनों। पहला है स्ट्रोमी, सेकेंड है वास्टेरस, थर्ड है इंक्लेमेंट। थर्ड क्या है? इंक्लेमेंट। तीनों का मीनिंग आपका, आपका तीनों का मीनिंग होता है तीरवा। क्या होता है? तीरव। तीनों का मीनिंग क्या होता है? तीरव। और इसका SBB बोल सकते हैं, SBI। तीनों का मीनिंग क्या है? SBI मीन्स SBI, बैंक का नाम आप सुनते होंगे कि SBI, तो वॉइस SBI मीन्स एस्ट्रोमी, वॉइस्टेरस, टेरस, इंक्लेमेंट। आपका नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है, यहाँ 4 जो वर्ड है आपका, स्टूबर्न, 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 ऑब्स्टिनेट, स्टूबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, और पार्टिनेशियस, पार्टिनेशियस। ये तीनों का वर्ड का मीनिंग क्या होगा इसका? इसका याद कैसे करेंगे? तो सोप, क्या करेंगे? सोप, दिखता है ना, सोप, सोप मीन साबुन होता है, और ये साबुन हमको याद हो जाता है, तो सिनोनिम आपने आप याद हो जाता है। कैसे हो जाता है इसका? स्टूबर्न, ऑस्टिनेट, एडमेंट, पार्टिनेशियस, तीनों का पार्टिनेशियस, नहीं दिखता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपका पार्टी, पार्टिनेशियस है, पार्टिनेशियस। और ये तीनों का, ये चारों का मीनिंग क्या होता है आपका? जिद्दी, जिसको हम जिद्दी बोलते हैं, दिखता होगा जिद्दी।
ये चारों का मीनिंग जिद्दी होता है। क्या होता है? चारों का मीनिंग जिद्दी होता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं, आप आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, रेत है, रेत, इरे, टेंटर्म, आपका तीनों का मीनिंग टेंटर्म में इसका याद करेंगे तो वीट होगा। वीट का मतलब ही आप वीट जानते ही हैं, कोई वर्ड है तो वीट है, और यहाँ पे रेत, इरे, टेन टेन ट्रम, टेन ट्रम, यहाँ पे टेन ट्रम, और ये तीनों का मीनिंग क्या होगा? वीट है, और ये तीनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है? गुस्सा करना या क्रोध, गुस्सा या क्रोध, क्रोध, गुस्सा या क्रोध, तीनों का मीनिंग क्या है? गुस्सा करना है, गुस्सा या क्रोध, रेत, इरे और टेन ट्रम, तीनों का मीनिंग गुस्सा या क्रोध होता है। उसको याद कैसे करेंगे? वीट, वीट वर्ड से हम तीनों का याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपका, यहाँ पे आपका 16 और 17 और 18 वर्ड में आपका है, यहाँ है 16 और 17 वर्ड में जो है आपका नेल, आप नेल का समझे होंगे, नेल यहाँ पे मिटा सकते हैं, मिटा दें, मिटा के लाइए, डस्टर दीजिए, तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, चलो इसी से मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे तीनों का जो है मीनिंग, यहाँ 16 से लेके, यहाँ 16 वर्ड जो है और यहाँ तक, इसका तीनों का मीनिंग, तीनों का हम नेल से याद करेंगे, NAIL, नेल, और नेल मीन्स नाखून होता है, और नेल वर्ड याद करेंगे तो आपका सिनोनियम, सिनोनियम, नेटिव, एडोरिजिनल, इंडोजिनस, लोकल, एन से नेटिव, ए से एडोरिजिनल, आई से इंडोजिनस और एल से लोकस, और ये चारों का मीनिंग स्वदेशी होता है। क्या होता है? स्वदेशी, स्वदेशी या देसी बोल सकते हैं, चारों का मीनिंग देसी या स्वदेशी, मीन्स अपना, देसी का मतलब अपना देश, देसी होता है चारों का। लास्ट आपका वर्ड है यहाँ पे 20 और 21 और 22, यहाँ पे एक वर्ड है सेंटीमेंटल, मीन्स सेंटीमेंट, दूसरा वर्ड है माउकिंस, माउकिंस, और तीसरा वर्ड है सुगरी, तीसरा वर्ड क्या है? सुगर से सुगरी, सुगरी वर्ड है, और ये तीनों का मीनिंग क्या है? SMS, SMS, यदि आप SMS याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ सिनोनिम बन जाता है, इसका मीनिंग होता है, तीनों का मीनिंग होता है, क्या होता है तीनों का मीनिंग? ये तीनों का जो मीनिंग है, भावुकता बोलेंगे, भावुकता बोलेंगे, मीन्स भावुकता होता है, या भावना या इमोशनल बोल सकते हैं, सेंटिमेंट, सेंटिमेंट, मॉन्किंस, सुगरी, मीन्स इमोशनल या भावुकता, इसको हम याद कैसे करेंगे? SMS से, S में MS, SMS से आप तीनों वर्ड याद कर सकते हैं, और तीनों वर्ड है सिनोनिम से, तीनों वर्ड क्या है? तीनों वर्ड सिनोनिम से। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड, इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड को सिनोनिम आप याद कर सकते हैं, और ये ट्रिक है, और ये ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे तो बहुत जल्द ही आपका याद होगा। आप लोग जितने सारे क्लास में जुड़े हैं वो सारे को सारे इस तरह से पढ़ाई करें, और जो भी अभी क्लास में जितने सारे प्रेजेंट है, जितने सारे
देख रहे हैं वो सारे कोई, यदि नहीं कोई अपने दोस्त है वो सब नहीं देखता, ये सब नहीं कर, तो उसको भी शेयर करें। आप वीडियो को लिंक को आप लिंक को फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, जहां आपका संभव है वहां तक आप शेयर करें। और शेयर करना ना भूलें, और जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और फिर कल होगी एंटोनियम है सिनोनिम्स का आज हो गए, कल हो सके ग्रामर होगी, इस तरह से हो सके किसी मीन्स सीटेट का भी चालू होने वाला है, सीटेट का भी और जेटेट का भी, साथ साथ में पेडोलॉजी सारे सब्जेक्ट के अनुसार होगी, सारे सब्जेक्ट का होगी। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का बात नहीं कर रहे अभी, इंग्लिश का बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश का पहले पेडोलॉजी फिर इंग्लिश, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट के बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट CDP जिसको बोलते हैं उसका भी, उसके बाद लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं उसका भी होगा। इस तरह से सभी को सारे कंप्लीट हो करेंगे और कंप्लीट करवाएंगे। तो आपका यदि इस वीडियो को आपको पसंद आया तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों से सभी जगह शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास सुबह 5 बजे होगी, और हर प्रत्येक दिन 5 बजे सुबह, शाम में 9 बजे। थैंक यू।